अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कभी कभी सीआईडी कॉप्स भी कश्मकश में फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता करें तो क्या करें। एक तरफ एक आदमी खड़ा है जो कसमें खा रहा है कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था जब खून हुआ, और दूसरी तरफ साड़ुंके साहब, वो अड़ गए। अब साड़ुंके साहब को तो आप जानते हैं, वो किसी बात पे अड़ जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं हिला सकता। वो कहने लगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, खून हुआ ही नहीं है, मतलब उस समय नहीं हुआ था जब ये आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब आप ही बताइए, जिस औरत का खून हुआ वो औरत इस आदमी से बात कर रही थी जो आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था जिस समय खून हुआ, समझे? बात कर रही थी, बात, और इसने जवाब भी दिया। बात आगे बढ़ती कि किसी ने उसका खून कर दिया, मगर सालों के साथ अड़ गए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, खून तो कब का हो चुका है। आप ही बताइए, कौन विश्वास करेगा सालों के साहब का जब एक गवाह सामने खड़ा हुआ है? इसी को कहते हैं कश्मकश। अच्छा, एक बात बताऊं, ना तो ये आदमी झूठ बोल रहा है और ना ही साड़ुंके साहब। अगर साड़ुंके का सच सुने तो खून घंटों पहले हो चुका है, और ये आदमी कह रहा है कि खून अभी अभी हुआ है क्योंकि इसने इस औरत से बात की थी, ये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था जब खून हुआ, और ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। आप खुद ही देख लो क्या हुआ था। एक मिनट। कौन है वहां पर? मैडम, मैं प्लंबर हूं, आपने फोन किया था ना? तुम? क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? मैडम, अंदर कुछ गड़बड़ है, मैम साहब की चीखने की आवाजें आ रही है। चीखने की आवाज? रीचा, रीचा दरवाजा खोलो, रीचा, रीचा। वॉचमैन, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, आओ। ओ नो, वॉचमैन, घर में देखो अच्छी तरह से, वो आदमी अभी भी यही होगा। वो आदमी यही कहीं होगा, इतनी जल्दी वो भाग के जाएगा कहां? ये बेचारी तो मर चुकी है। मैडम, अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है तो खूने गया कहां पे? बड़ी प्यारी लड़की थी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कितने बजे थे जब आपने ये चीख सुनी? सर, शाम 8 बजे थे उस वक्त। और आप बाहर खड़े थे? जी हाँ, मैं यहीं पे था। कहाँ पे एग्जैक्टली? यहीं पे मैं था, और तभी अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई थी मुझे। उसके बाद आप लोगों ने आके दरवाजा तोड़ा? जी। तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर, अंदर तो कोई भी नहीं था। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजा बंद था, आप लोगों ने दरवाजा तोड़ा और किसी को भागते हुए नहीं देखा? आप लोगों ने भी नहीं देखा? नहीं सर, नहीं सर। आप लोग यहीं पे थे ना? कमाल है, खूनी गया तो गया कहां? हाँ विवेक? नहीं सर, यहां से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये भी बंद है। अभी आगे या पीछे दरवाजे के धोनी ने चादरों का रस्सी बनाकर यहाँ पे डाला है, शायद यही सिर्फ चक्कर हुआ। कमाल है, लोग बाहर दरवाजा ठोक रहे थे
और वो यहाँ से भाग गया। सर, ये अनुभव है सर, नीचा इनकी पत्नी थी। मेरी पत्नी एक बहुत ही नेक और शरीफ लड़की थी, कोई उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता। देखिए, अब हम आपकी तकलीफ समझते हैं। आपको किसी पर शक है? कौन मार सकता है आपकी वाइफ को? मुझे किसी में कोई शक नहीं। अरे, हफ्ता भर पहले तो हम दिल्ली से यहां पर शिफ्ट हुए, हमारी नई नई शादी हुई। घर में चोर आया, चोरी की और मेरी पत्नी को मार दिया। चोरी हुई है? क्या क्या सामान गायब है आपके घर से? काफी कुछ, देख सकते हैं, काफी कुछ। हमें मेरा लैपटॉप, मेरा डीवीडी प्लेयर और तो अलमारी से पैसे और गहने भी चोरी हुए। ऐसा है तो शायद रीचा ने रोकने की कोशिश की होगी चोर को, और फिर चोर ने। विवेक, काम करो, जरा पता करो ये डुप्लीकेट सामान या पुराना सामान कहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। और पेड़ी सर, लाश को फोरेंसिक लैब में भेजता हूँ। संघ के प्लम्बर घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था जब खून हुआ। हाँ, अगर कोई पड़ोसी घर के नीचे खड़ा होता तो शायद खूनी को देख लेता भागते हुए और खूनी पकड़ा जाता। कैसे? अरे कैसे क्या सालुंखे, अगर वो नीचे खड़ा होता तो वो खूनी को देख लेता ऊपर से नीचे आते। खूनी ने चादरें बांध बांध के एक रस्सी बनाई, शायद वो उसी से ऊपर गया है और उसी से उतरा है। खूनी गधा था, गधा। अरे खूनी गधा था, ये आपको इस लड़की की लाश देख के ही पता चल गया? नहीं नहीं अभिजीत, लाश के गले पर खूनी की उंगलियों के निशान है। वाह सारुंके साहब वाह, उंगलियों के निशान देख के ही आपको पता चल गया कि खूनी गधा था। नादान हो बच्चे, अभी तुम नादान हो। अच्छा एक बात बताओ, खूनी को क्या जरूरत थी कि वो चादर से लटक के खिड़की से बाहर जाता? अरे सीधा दरवाजे से बाहर क्यों नहीं चला गया? नादान है मेरा दोस्त, नादान है, बुढ़ापे की वजह से कुछ कुछ चीजें भूल जाता। अबे सांगे सीधी बात है, प्लम्बर घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था तो क्या खूनी दरवाजे से बाहर जाएगा उसके सामने से? मेरे जवान दोस्त, अभी पता चल जाएगा कि कौन जवान है और कौन बूढ़ा। प्लम्बर दरवाजे के बाहर खड़ा था रात को 8 बजे। ठीक है जनाब, इस लड़की की मौत हुई है दोपहर के 2 या 3 बजे। What? 2 या 3 बजे? जी। सर एक बात पूछूं? सर पूछो, तुम भी पूछो। सर अगर ये लड़की दोपहर को 2 या 3 बजे के आसपास मरी है तो रात को 8 बजे घर के अंदर से कौन चीखा? मैं तो नहीं चीखा। अरे अरे यार मुझे क्या मालूम। तो फिर कैसे मालूम होगा? अभिजीत, मरने के 3 या 4 घंटे के बाद लाश अकड़ना शुरू होती है, राइट? क्या? और लगभग 4, 5 या 6 घंटे तक लाश अकड़ती रहती है। उसके बाद लाश वापस ढीली होना शुरू होती है, मतलब राइगर मोर्टिस खत्म होना शुरू होता है। बॉस, रात को 11 बजे जब इस लड़की की लाश मेरे पास आई, इसका राइगर मोर्टिस खत्म हो रहा था। मेरी आंखों के सामने इस लड़की की लाश ढीली पड़ना शुरू हुई। लाश यहां 11 बजे आई, इसके 6 घंटे पहले मतलब 5 बजे ये अकड़ना शुरू हुई। बिल्कुल, और उसके 3-4 घंटे पहले मतलब 2 या 3 बजे इस बेचारी की मौत हुई। मतलब जब वो प्लम्बर दरवाजे के बाहर खड़ा था ये लड़की मर चुकी थी। बिल्कुल। अरे तो फिर ये प्लम्बर झूठ बोल रहा है क्या? प्लम्बर झूठ नहीं बोल रहा है, उसने चीखने की आवाज सुनी थी, उसी ने पड़ोसियों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा, तभी तो ये लाश मिली। लेकिन सर घर के अंदर से कौन चीखा? खूनी एक लड़की भी हो सकती है। अरे खूनी वहां था ही नहीं। अरे फिर वही बात, सड़क के प्लम्बर ने उस वक्त घर के अंदर से किसी की चलने की आवाज भी सुनी थी, तो फिर कौन चल रहा था अंदर? ये मैं कैसे बता सकता हूँ यार, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस लड़की की मौत 2 या 3 बजे हुई है बस। क्या पता चला? सर ऐसी 3 मार्केट्स है जहाँ पर पुरानी चीजें खरीदी और बेची जाती है। सर क्या क्या मिलता है वहाँ पे? फेरी सर ये पूछे कि क्या नहीं मिलता है, एक पेंसिल से लेकर एक हेलीकॉप्टर के पार्ट्स तक सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है सर वहाँ पे। तो अभिजीत, हो सकता है कि अनुभव की घर से चोरी हुई चीजें वहाँ उस मार्केट में मिल जाए। जाके देखो जरा। Thank you.
आइए साहब, देखिए यहाँ मिलता है क्या। शुक्रिया। आइए साहब, क्या सेवा कर सकता हूँ? वो लैपटॉप देखना है। लैपटॉप साहब, ये देखिए ना साहब, एकदम बढ़िया वाला लैपटॉप है, एकदम फर्स्ट क्लास, कल ही आया है, एकदम फॉरेन का है साहब। फॉरेन का? हाँ साहब, एकदम जबरदस्त चलता है, ऐसा फोटो आता है साहब इसमें, भी क्या बताऊं। ये बस, ये अनुभव का लैपटॉप है। ये किसने भेजा था तुमको? साहब आप आम खाइए ना साहब, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? हम गुठलियाँ खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, दो एक दो है। CID साहब, माफ कर दीजिए साहब, पहचानने में गलती हो गई साहब। किसने बेचा था तुमको ये? साहब ये लैपटॉप तो मेरी दुकान में कल ही आया साहब, मंगू नाम का चोर है, वो लाया था साहब इसे। मंगू चल देगा, कहाँ मिलेगा साहब? साहब मुझे क्यों फंसा रहे हो साहब? चल साहब, कितनी दूर साहब? बस आ गया साहब, इधर ही। लेकिन साहब आपको बोलता है साहब, मेरे को बीच में डालने का नहीं साहब। थोड़ी का माल खरीदा तूने, तुझसे कैसे निकल सकता? हाँ चुपचाप साहब, ऐसा मत करो साहब, मैंने पहली बार चोरी किया था साहब। साहब आपका हाथ पाँव जोड़ता हूँ साहब, मैं आपको उसका घर दिखा देता, लेकिन साहब मेरे को छोड़ देना साहब। क्या होता पहले आप देखो, इधर ही देखो सर, चल सब छोड़ देना सर। अबे चल आप छोड़ देना। अरे नीकू तू यहाँ क्या बात है? नया पार्टी है क्या? एकदम ब्रांड न्यू पार्टी है, चोरी का माल खरीदना है। क्या चाहिए साहब? सब मिलेगा आपको यहाँ, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीवीडी प्लेयर, सब मिलेगा आपको। अनुभव के घर से तुमने क्या क्या चुराया था, हमें वो सब चाहिए। अनुभव कौन है ये? अनुभव को नहीं जानते? चूहू के फ्लैट में चोरी किया है ना? चोरी? मैं चोरी? हाँ तो आप ये मेहनत का सामान है, देखो ले जाएंगे उनको, भाई सामान नहीं बेचना। और हम खरीद के ही जाएंगे साहब, मैंने कहा मुझे नहीं बेचना। और हमने बोला खरीदेंगे मतलब खरीदेंगे। बोल साहब, उस फ्लैट में मैंने ही चोरी की। पर जब लड़की ने देख लिया तुम्हें चोरी करते हुए, तो तुमने खून कर दिया उसका। खून? किसका खून साहब? साहब मैंने किसी का खून नहीं किया। लड़की की लाश मिली है फ्लैट में से, समझे? क्यों मारा उसे? सच सच बताओ वहां हुआ क्या था, वरना तू फांसी चढ़ेगा, समझा? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, वो तो पहले से मरी हुई थी। क्या? पहले से मरी हुई थी? हाँ साहब, जब मैं और मेरे दोस्त जो हमें चोरी करने गए, स्वागत के लिए किसी ने ये चादर लटका रखी है। अरे लगता है कोई चोर पहले से ही ऊपर गया हुआ है। नहीं ऊपर कोई नहीं, ऊपर से कोई नीचे आया है और भागा है। मैं जरा देख लेता हूँ। मैं घर का सारा सामान चुरा ही रहा था कि मुझे एक औरत के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। कौन है वहां पर? तुम? मगर जैसे ही वो औरत चीखी, मैं खुद को रोक नहीं पाया और कमरे के अंदर चला गया। खूनी तब तक वहां से गायब हो चुका था। पैसे की लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। रीचा दरवाजा खोलो, रीचा, रीचा।
रीचा दरवाजा खोलो, रीचा। इसलिए उस औरत की परवाह किए बिना मैं चोरी करके वहां से भाग खड़ा हुआ। मतलब वो लड़की मर चुकी? जी हाँ साहब। और ठीक एक मिनट पहले तुम्हें उसके गाने की और बात करने की आवाज आई थी कमरे के अंदर से? जी हाँ साहब। और तुमने खूनी को वहां पे नहीं देखा? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई खूनी वूनी नहीं था। देखो कहानियां बनाना बंद करो, समझे? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुमने बाहर वाले कमरे से उसके गाने की और फिर चीखने की आवाज सुनी, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि खूनी वहां पे था नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, वहां पर कोई नहीं था साहब, मैं तो बस चोरी करके वहां से भाग गया। कितने बजे हुआ था ये सब? शाम 8 बजे। वो प्लम्बर भी तो उसी टाइम आया था ना रिजा के घर। वो चोरी का सामान कहाँ है? साहब वो सामान तो हमने बेच दिया साहब, कुछ बचा हुआ। बचा हुआ सामान लेके आओ। बस एक मिनट आता हूँ सर। ये मंगू झूठ बोल रहा है सर, खून इसी ने किया है और हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ गाने बचे हैं साहब, लैपटॉप वगैरह तो मैंने बेच दिया। बेटी अनुभव को ब्यूरो में बुलाओ, उससे पूछेंगे ये सारा सामान उसका है कि नहीं। देखिए जरा ध्यान से, देखिए क्या ये वही चीजें जो आपके घर से चोरी हुई थी। ओह गुड लॉर्ड। जी हाँ, ये सारी चीजें मेरे घर से चोरी हुई थी। गॉश, ये उम्मीद नहीं थी कि चोरी का यह सामान इतना जल्दी मिल जाएगा। ये क्या है? क्या हुआ? ये हीरे की अंगूठी, ये मेरी नहीं है। क्या तुम्हारी नहीं है? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारा सामान तुम्हारा है तो ये अंगूठी भी तुम्हारी होगी ना? नहीं सर, अगर ये मेरी है रिचा की होती तो मैंने पहचान ली होती, ये मेरी नहीं है। तो फिर उस चोर ने ये क्यों कहा कि ये अंगूठी उसने तुम्हारे घर से चुराई? पता नहीं सर उसने ऐसा क्यों कहा, चोर है, एक दिन में पता नहीं कहाँ कहाँ चोरियां करता होगा। ये अंगूठी जरूर उसने कहीं और से चुराई है और यहां मिक्सअप कर दी। ये भी तो हो सकता है कि ये अंगूठी रिचा की ही है और तुम्हें मालूम ही नहीं। क्या मतलब है? रिचा ने कोई चीज खरीदी और मुझे पता नहीं उसने। उसने खरीदी है या किसी ने? सर, इस केस के अंदर उस ज्वेलर का नाम भी लिखा हुआ है जिसने ये अंगूठी बनाई है सर, प्रधान ज्वेलर्स। हाँ, वरदान ज्वेलर्स। अभिजीत दया, एक काम करो, इस वरदान ज्वेलर्स के पास जाओ और पता करो उन्होंने ये अंगूठी किसके लिए बनाई थी। वाओ, कितनी बढ़िया अंगूठी है सर। सर इस वाले मैरिज एनिवर्सरी में मैं अपनी वाइफ को यही वाली अंगूठी दूंगा सर। मैरिज एनिवर्सरी का इंतजार करते करते कहीं आपकी बीवी आपसे रूठ न जाए। हीरे की अंगूठी है साहब, दे ही दो। सर, सर डॉक्टर तारिका को भी हीरे की अंगूठी पसंद है। तो देखिए हम लोग CID से हैं। CID? जी। ये अंगूठी आप ही के यहाँ से खरीदी गई थी? जी हाँ सर। गुड, अब आप ये बताइए कि ये अंगूठी आपने किसको बेची थी? ट्राई करता हूँ। मिल गया सर, किसी कौशिक नाम के आदमी ने ये अंगूठी यहाँ से खरीदी। कौशिक? ग्रेट, आप जरा एड्रेस दीजिए इसका। अगर ये अंगूठी वाकई कौशिक की है तो फिर रिचा के घर में कैसे पहुंचे? कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इस कौशिक और रिचा के बीच में? देखते हैं ये तीतर क्या बोलता है। हाँ जी, क्या बात है बताइए। हम लोग CID से। CID? प्लीज अंदर आइए। क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम सर? आप जरा ये देखिए, ये अंगूठी आपकी है क्या? ये अंगूठी आपको कहाँ मिली? पहले ये बताओ ये अंगूठी तुम्हारी है या नहीं? जी हाँ मेरे, लेकिन आपको कहाँ मिली? रिचा को जानते हो तुम? रिचा? कौन रिचा? देखो सच सच बताओ, ये खून का मामला है और ये अंगूठी उस खून से जुड़ी हुई है।
सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी रिचा को नहीं जानता। अच्छा कौन है ये रिचा और ये लोग किसके बात कर रहे हैं? देखो शोभा हमारी अंगूठी मिल गई। अरे इसका मतलब चोर पकड़ा गया? ये अंगूठी चोरी हो गई थी? जी हाँ। कब कहाँ से चोरी हुई थी? पिछले हफ्ते मेरी गाड़ी से चोरी हो गई थी, उसके साथ साथ मेरा लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम भी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी इस बारे में? जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी अनुभव नाम के आदमी को जानते हैं? अनुभव? जी नहीं, मैं पहली बार उनका नाम सुन रहा हूँ। जरा सोच समझ के बोलो, जू में फ्लैट है उनका? हाँ? जी नहीं, मुझे नहीं पता है। ओके, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता ये अंगूठी हम आपको नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच सर। शायद मंगूनी ये अंगूठी इसकी कार में से चुराई है सर, और फिर बाद में उसे लगा होगा कि ये सामान उसने रिचा के घर में से चुराया है। ओके, इस मंगू को बुलाओ। मंगू ध्यान से देखो इस अंगूठी को, ये अंगूठी तुमने रिचा के घर से चुराई है? जी हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। पिछले हफ्ते कितनी बार चोरी की तुमने? तीन। तुमने कार में भी चोरी की थी? कार में से? हाँ, कार का एसी, म्यूजिक सिस्टम, ये अंगूठी भी उसी कार में से चुराई गई थी। नहीं साहब, मैं ऐसी चिंदी चोरी नहीं करता, मैं तो हमेशा बड़ा हाथ मारता हूँ साहब। घर से चोरी के डिंगे मार रहा है? ये हीरे की अंगूठी कौशिक नाम के आदमी के गाड़ी से चुराई गई है, उस फ्लैट में से नहीं, समझे? कसम से साहब, साहब हम लोगों की मेमोरी बहुत तेज होती है, अंगूठी तो मैंने चुराई है उसी फ्लैट से। सर लगता है कौशिक और ये मंगू दोनों झूठ बोल रहे सर, या फिर दोनों मिले हुए। अच्छा ये बताओ इस आदमी को पहचानते हो? कौन है साहब? ये कौशिक है, हीरे की अंगूठी इसी ने खरीदी थी और चोरी भी इसी की कार से हुई है, समझे? बहुत हंसी आ रही है, है? हम ऐसा भी तो हो सकता है साहब कि उस फ्लैट वाले मैम साहब ने वो अंगूठी चुराई हो और वहां से मैंने चुरा ली। चोर के घर चोरी। चुप, हंसना बंद कर नहीं तो बत्ती से निकाल के हाथ पे रख दूंगा, समझा? ये बता इसे पहले कभी देखा है या नहीं? साहब ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। पहचाना सा लग रहा है ना? हाँ। कहाँ देखा है इसे पहले? हाँ साहब याद आया, उस दिन ये उसी बिल्डिंग के चक्कर लगा रहा था। मतलब कौशिक रिचा की बिल्डिंग के चक्कर लगा रहा था? हाँ साहब, वो कुछ परेशान भी था। हाँ। फंसा तो नहीं रहा इसे? नहीं साहब, उसे फंसाने में मेरा क्या फायदा था? साहब जो सच था मैंने बता दिया। अभिजीत, इसका मतलब है ये कौशिक हमसे झूठ बोल रहा था। ये जरूर उस अनुभव और रिचा को जानता है। तो इस कौशिक से मिलते हैं, जाने और कौन कौन से राज अपने पेट पे दबा के बैठाएंगे। अरे ये तो कमाल हो गया सर, एक तो चोरी भी मेरी कार में से हुई है, नुकसान मेरा हुआ है और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आप जरा इसे पढ़ लो, सब याद आ जाएगा। ये क्या है सर? कुंडली है तुम्हारी? मेरी कुंडली? हाँ, इसमें लिखा है कि तुम रिचा को बहुत पहले से जानते। वो रिचा? तुम्हारा ये मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? हा? तुम और रिचा दिल्ली में एक ही कंपनी में काम करते थे ना, 3 साल तक एक साथ, क्यों? अच्छा अच्छा, आप उस रिचा की बात कर रहे हैं? उसी रिचा की बात कर रहे हैं। एक्चुअली उसके बात ध्यान से निकल गई थी। एक्चुअली कब से चला था तुम्हारा ये प्यार का चक्कर रिचा के साथ? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर, पत्नी सुन लेगी। पत्नी? अरे दया, इतना पत्नी व्रता आदमी तुमने पहले कभी देखा है क्या? ना। अरे आप लोग, वो चोर पकड़ा गया क्या? चोर तो नहीं, मगर आपके पति की चोरी जरूर पकड़ी गई है। क्या ये लोग क्या कह रहे हैं कौशिक? कुछ नहीं। अच्छा अगर इतने वफादार हो तो जिस दिन रिचा का खून हुआ उस दिन तुम उसके बिल्डिंग के आसपास क्यों चक्कर लगा रहे थे? क्या सर, मैं चक्कर लगा रहा था सर? वो भी रिचा के घर के आसपास? ये बात आपको किसने कही? चल ले क्या उसे? ये किसे लाने भेजा आपने?
अभी पता चल जाएगा बच्चा, डरता क्यों है? कौशिक, अगर इनकी बात सच हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या यही था वो आदमी जो उस दिन चक्कर काटा था उस बिल्डिंग के? हाँ साहब, इसे ही देखा था मैंने उस दिन, यही था वो। क्या? अरे ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अरे शोभा, मैं इसको जानता तक नहीं। साहब यही था वो। अरे यही था। अरे सर, मुझे तो ये भी पता नहीं कि ऋचा का घर कहाँ है। जिस समय ऋचा का खून हुआ उस समय कहाँ थे तुम? ऑफिस में था। ऑफिस? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस में नहीं थे तुम, हमने पता किया है। दोपहर को थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे उसी वक्त जब ऋचा का खून हुआ। कहाँ थे तुम? मुझे मालूम नहीं। कहाँ थे तुम? कहाँ ना मालूम नहीं। ये सच है सर, मैं ऋचा से प्यार करता था। हम दोनों काफी पहले से एक दूसरे को चाहते थे सर, पर उसके घर वालों ने उसकी शादी अनुभव से करा दी सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन ऋचा का खून क्यों किया तुमने? हैं? नहीं सर, मैं तो प्यार करता था उसे, मैं भला क्यों मारने लगा? तो फिर वहां करने क्या गया था तू? सर मैंने उस दिन ऋचा को कम से कम 20 बार फोन किया। उसने पहली बार फोन उठाया और फिर काट दिया, और उसके बाद फोन ही नहीं उठाया। क्या, पहली बार फोन काट दिया? तुमने उसे फोन कितने बजे किया था? ये कोई लगभग 4 बजे। 4 बजे? ये कैसे हो सकता है? 4 बजे किसी ने फोन काट दिया? 4 बजे तो ऋचा मर चुकी थी। हाँ, इसका मतलब 4 बजे घर पे कोई और था जिसने फोन काटा है। मंगू, फोन कहाँ है जो तुमने ऋचा के घर में से चुराया? साहब वो फोन तुम मैंने बेच दिया। क्या, फोन बेच दिया? किसको? साहब याद नहीं मुझे, ऐसे मुझे कोई मिला था, मैंने उसे बेच दिया। उस आदमी को जानते हो? जी नहीं। अभिजीत, अगर वो मोबाइल फोन अभी भी चल रहा है तो मोबाइल फोन कंपनी से पता कर सकते हैं कि वो फोन इस वक्त कहाँ है। क्या? ओ, CID से। तब तो फिर कोई मर्डर वर्डर का मामला होगा। काफी होशियार लगते हैं आप। एक खून हुआ है तो इस बार किसका सिम कार्ड ढूंढना है? इस बार हमारे पास सिर्फ मोबाइल नंबर है, और हमें किसी भी तरीके से ढूंढना है कि इस वक्त वो मोबाइल कहाँ पे है। अगर फोन नंबर है तो ढूंढना बड़ा आसान है। नहीं नहीं, क्या है कि जिस आदमी के पास वो मोबाइल फोन है उसने पुराना सिम कार्ड फेंक दिया है और नया सिम कार्ड डाला है। कोई बात नहीं सर, अगर वो आदमी अभी भी उस मोबाइल फोन को यूज कर रहा है तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, कैसे? आप मुझे वो नंबर दीजिए। ये नंबर फीड करो। 1709876925। अच्छा, ये सिम कार्ड चल नहीं रहा है, उसे फेंक दिया। सर हम ये तो देख सकते हैं कि इस फोन से आखिरी बार कहां से फोन आया था, या फिर आखिरी बार किसको फोन किया गया। देखिए जरा, मिल गया सर। ये नंबर है मिसेस ऋचा का, और इससे फोन किया गया दोपहर को 1 बजे इस नंबर पर, 2656237981। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल फोन कहाँ पे? देखते जाइए सर, इससे हम ऋचा जी का IMEI नंबर पता करेंगे। IMEI नंबर? जी हाँ, IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये हर मोबाइल का अपना एक अलग नंबर होता है। अगर पुराना सिम कार्ड निकाल दो या नया सिम कार्ड डाल दो तो भी ये नंबर नहीं बदलता। अच्छा, मतलब इस नंबर से भी हम ढूंढ सकते हैं कि इस वक्त मोबाइल फोन कहां पे है। बिल्कुल सर। ये लीजिए ऋचा जी का IMEI नंबर, ये आप सभी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क को दे दीजिए, वो लोग इसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। ग्रे लिस्ट मतलब? जब भी ऋचा जी का फोन ग्रे लिस्ट में जाएगा उसके बाद कोई भी उस फोन को ऑन करेगा या नया सिम कार्ड डालेगा तो हमें फौरन पता चल जाएगा। फिर चाहे वो सिम कार्ड किसी भी कंपनी का हो? चाहे किसी भी कंपनी का हो सर, तो भी पता लग जाएगा। ठीक है विवेक, रेडी, लग जाओ काम पे। सारी मोबाइल नेटवर्क कंपनी को इन्फॉर्म कर दो। विवेक कुछ पता चला? नहीं सर, हम लोग अभी भी IMEI नंबर से मोबाइल फोन को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऋचा का फोन जैसे ही ऑन होगा वो लोग हमें बता देंगे सर। गुड।
शायद मोबाइल फोन कंपनी वाले का फोन है। इंस्पेक्टर दया आया क्या? श्याम कुमार कहां पे? खबर पक्की है ना? ठीक है, थैंक्स। बस मछली जाल में फंस गई। मोबाइल फोन इस वक्त कुरला में है। किसी श्याम कुमार नाम के आदमी ने सिम कार्ड डाला इसके अंदर। कुरला में? तो फिर देर किस बात की है? चलो पकड़ते हैं इस श्याम कुमार को। हाँ, हमें दिख रही है उसकी पोजीशन। या है पास में ही है, पास में ही है। क्या ये 30 डिग्री नॉर्थ बता रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ मतलब यहाँ से राइट? आपको आपको हमारी पोजीशन दिख रही है ना, या मेरे फोन की पोजीशन दिख रही है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा ख्याल से 50 फीट होगा। ये फोन अभी तक हिला तो नहीं है, एक ही जगह पे है। ग्रेट। 50 40। एक मिनट में आपको बाद में फोन करता हूँ, लगता है हम लोग पहुँच गए। तुम श्याम कुमार हो? हाँ श्याम कुमार मैं हूँ, बोलो। ये इतने सारे मोबाइल यहाँ पे कहाँ से आए? इतने सारे मतलब? देखो मैं डीलर हूँ, मोबाइल बेचना मेरा धंधा है भाई। ये मोबाइल देखने में तो नए नहीं लग रहे हैं। नए हैं सब, वो थोड़ा सा धूल लग गया और कुछ नहीं। देखो चोरी का सामान खरीदना जुर्म है, मालूम है ना? चोरी का सामान? क्या बोल रहे हैं आप? ये सारे मोबाइल फोन चोरी के है ना? हाँ यार तुम तो गले ही पड़ गए हो यार, बोला ना सब नए है करके। चुप, बैठ बैठ बैठ। देखो इनमें से रिचा का मोबाइल कौन सा है? सर हमें उस फोन में से ये मिला है सर, ये एक मल्टीमीडिया कार्ड है सर। देखा? इसमें वो पूरा का पूरा मैसेज, वो गाना, वो डायलॉग सब पहले से रिकॉर्ड करके रखा गया था सर। अच्छा प्ले करो जरा इसे। यस सर अभी हो जाएगा। हो गया सर। प्ले करो सर। रिचा ने किसी को तुम कहा है, तुम यानी खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसे रिचा अच्छी तरह से जानती थी। हाँ पर अभिजीत जब वो रिचा का खून कर रहा था तब उसने साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लिया, और जब प्लम्बर घर के सामने आया तो उसने अपने फोन से रिचा को कॉल किया तो ये वाली रिकॉर्डिंग बजने लगी। फोन रिंग के बदले ये वाली रिकॉर्डिंग? आप रेडी? आजकल तो किसी भी गाने को तुम अपना कॉलर ट्यून बना सकते हो। और उस बेचारे प्लम्बर को लगा कि अंदर खून हो रहा है। विवेक जरा दोबारा चलाना इसे आहिस्ता आहिस्ता। यस सर। कौन है वहां पर? तुम? एक मिनट रुको जरा। सुना कोई बीप की आवाज है, चलो फिर से चलो। सर कौन है वहां पर? तुम? ये तो किसी मोबाइल फोन या लैपटॉप या फिर किसी घड़ी की आवाज है। घड़ी की आवाज? हाँ सर ये घड़ी की अलार्म की आवाज है सर, और ये आवाज मैंने पहले सुनी है सर। सर यानी कि वो घड़ी अनुभव की थी? हाँ घड़ी, इस अनुभव ने मारा अपनी बीवी को और उसके बाद उसने फोन करके प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने बेल बजाई और उसी वक्त अनुभव ने फोन किया रिचा के मोबाइल फोन पर और ये वाली रिकॉर्डिंग बजी। सर अनुभव उस बिल्डिंग के आसपास ही कहीं छुपा होगा सर जब प्लम्बर वहां पे पहुंचा। हाँ फ्रेडी, और बाद में अनुभव भागता हुआ वहां पे आ गया, उसे वहां पे गवाह मिल गया कि खून शाम को हुआ है उसकी गैर मौजूदगी में। चलो अनुभव के फोन पे एक नया रिंगटोन सेट करते हैं। पकड़ा गया रिचा का फोन, पता चला उसका? पकड़ा तो नहीं गया, पता चल गया तो सोचा सबसे पहले ये खुशखबरी आपको ही दे देते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। किसने किसने मारा रिचा को? है एक पंछी। पंछी? हाँ पंछी है। मुझे तो लगा था कि रिचा को किसी इंसान ने मारा होगा, एक पंछी कैसे मार सकता है उसे? बंद हो गया सर। ये किसकी आवाज है पहचानते हो?
ये तो ऋचा की चीख है। ये ऋचा की, ऋचा की चीख तुम्हारे मोबाइल पे फ्रेडी? तुम वहीं पे थे क्या जब खून हुआ है? अरे सर, मुझे क्यों फंसा रहे हो बीच में? तो ये मेरा फोन अंदर रखा हुआ है, मैं जस्ट लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। दरवाजा तोड़ दे क्या? नहीं, शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलो नहीं, अपनी पत्नी का खून किया। दो महीने नहीं हुए तुम्हारी शादी को, तुमने खून कर दिया उसका? अगर इतनी नफरत थी तो फिर शादी क्यों की उसके साथ? पहले नफरत नहीं थी, ये सोच के शादी की थी कि ऋचा मेरी जिंदगी में आएगी तो मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। लेकिन वो एक जहरीली नागिन थी जो मेरी जिंदगी को अपने जहर से भरना चाहती थी। क्या मतलब? ऋचा ने मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की थी। 6 महीने में वो मुझे डिवोर्स देने की सोच रही थी। डिवोर्स में मुझसे वो एक मोटी रकम ऐंठ लेती, उसके बाद उस पैसे से उस कौशिक के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने का इरादा था उसका। मगर तुम्हें पता कैसे चला? मैंने उसे एक दिन कौशिक से बात करते सुन लिया था फोन पे। ऋचा को मारने की प्लानिंग मैं काफी दिनों से कर रहा था। उस दिन दोपहर जब मैं घर पहुंचा और चुपके से घर का दरवाजा खोला, से मारने के बाद मैंने अपना मीडिया कार्ड उसके फोन में लगा दिया और पूरी रिकॉर्डिंग को उसकी रिंगटोन बना दिया। और मैंने रस्सी को बालकनी से बांध दिया और थ्रिलरी को इस तरह बाहर फेंका कि ऐसा लगे कि रॉबर ने यह सब कुछ किया है। जब प्लंबर आया तब मैं पास ही छिपा हुआ था और ठीक उसी वक्त मैंने ऋचा का नंबर डायल किया और वो रिकॉर्डिंग वाली रिंगटोन बज उठी। तुम तुम्हें लगा कि लोग सोचेंगे कि घर में चोरी हुई है, चोर ने मार दिया बीबी को? हाँ, मगर बेचारे का बैड लक ही खराब था कि उसी दिन उसी वक्त वाकई एक चोर इसके घर में घुस आया। तुम्हें क्या लगा खून करके तुम बच पाओगे हमसे? हैं? इतने सोच समझ कर प्लान करके मर्डर किया है तुमने, अब तो तुम्हें फांसी ही होगी।